नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आ रही चयन बोर्ड की तरफ से। अभी अभी सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट 2016 का जारी कर दिया गया है और आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसका असर देखिए, बहुत तेजी से रिजल्ट जारी कर दिया गया और छात्र काफ़ी दिन से इसका इंतजार कर रहे थे। 2021 के TGT SST के छात्रों के लिए भी खुशी की खबर है क्योंकि अब ये छात्र जो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं उस परीक्षा में नहीं बैठेंगे और वहाँ पर जो कंपटीशन है उनके लिए कम हो जाएगा। कट ऑफ भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2016 सामाजिक विज्ञान बालक वर्ग का कट ऑफ अनारक्षित का 408, 395 अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति 377 और अनुसूचित जनजाति का 347। इसी तरह से बालिका वर्ग में 371, 346 और 329 नंबर कट ऑफ गया है। यह नोटिस अभी जारी की गई है, 22 तारीख की डेट आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि जो इसका जो पैनल है वो जारी कर दिया गया है। रिक्तियों की संख्या से अधिक 25% का भी पैनल यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि मात्र आरक्षित श्रेणी OBC SC ST के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हैं उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22/7/2021 से 29/7/2021 तक का समय प्रदान किया जाता है। अधिमानता ऑनलाइन भरने के लिए चयन बोर्ड का बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता भर सकते हैं। दोस्तों ये रिजल्ट है। अन रिजर्व कैटेगरी में भानु प्रताप यादव ने यहाँ पे बालक वर्ग में टॉप किया है, जो OBC कैटेगरी कैंडिडेट है। इसके बाद कृष्ण कुमार सिंह ने अन रिजर्व कैटेगरी में टॉप किया है, जनरल कैंडिडेट हैं। थर्ड नंबर पे अरविंद कुमार पाल हैं और उसके बाद मोहम्मद अकरम हैं, यहाँ पर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। संदीप कुमार हैं, आदित्य कुमार सिंह हैं, संजय कुमार हैं, संतोष कुमार पांडे, मोहन सिंह और इसी तरह से ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। बालक वर्ग की लिस्ट पूरी आप देख लीजिए और चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, जहाँ पे ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपना रोल नंबर और नाम से अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बालक वर्ग के सीटों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी हिसाब से लिस्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद बालिका वर्ग की सीटें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो बालक वर्ग में देखिए अभी जो है जो पैनल जारी किया गया है वो कितने छात्रों का जारी किया गया है आपको दिखा देते हैं। अंतिम तक जाते हैं यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे समाप्त हुआ, 1105 छात्रों का पैनल जारी किया गया है। बालक वर्ग में पूरन सिंह, राजीव कुमार और दया शंकर ये लास्ट में यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इसके बाद यहाँ पे बालिका वर्ग का पैनल जारी होता है और इसमें लक्ष्मी प्रजापति OBC कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व इन्होंने टॉप किया है। सुधा द्विवेदी जनरल कैंडिडेट है, इन्होंने सेकेंड नंबर पर। प्रियंका सिंह जनरल कैंडिडेट हैं और ये थर्ड नंबर पे है। मीनाक्षी देवी फोर्थ नंबर पे है। प्रांजलि तोमर पाँचवें नंबर पे हैं। दीप्ति यादव छठे नंबर पे, लक्ष्मी देवी सातवें नंबर पे और आठवें नंबर पे अभिलाषा सिंह। सीमा देवी नवें नंबर पे, दसवें नंबर पे दीक्षा चौधरी हैं। तो सभी छात्र और छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और 2021 की तैयारी कर रहे छात्रों को भी बधाई क्योंकि अब उनके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा इस परीक्षा में और 2016 के छात्र जो चयनित हो गए हैं अब उनको 2021 की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों गुड न्यूज है, आर्ट का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आएगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी हमारे इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल पर बने रहें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई खबरों के साथ। धन्यवाद।